नमस्कार, मैं देव शोकन। आज के मसले में हम चर्चा करेंगे प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर। मसला है कि पंचायत चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे भावी उम्मीदवारों की उम्मीदों पर फिर से पानी फिर सकता है। दरअसल पंचायत चुनाव की तारीख अब बढ़कर अक्टूबर नवंबर तक भी जा सकती है। सियासी गलियारे में चर्चा है कि प्रदेश सरकार अब पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण देने का मन बना चुकी है। इस मसले को लेकर पिछले महीने ही गठित किए गए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने जन सुनवाई भी शुरू कर दी है। आयोग जल्द ही इस पूरे मसले पर एक रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को सौंप सकता है, जिसके बाद सरकार इस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ही पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान कर सकती है। लेकिन अगर सरकार पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का मन नहीं बनाती है तो फिर ये चुनाव 30 सितंबर तक, यानी कि पहले जो कयास लगाए जा रहे थे उस तारीख तक संपन्न हो सकते हैं। इससे पहले प्रदेश सरकार ने 30 सितंबर तक चुनाव संपन्न करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग को निर्देश जारी किए थे। खुद हरियाणा के सीएम, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने भी कहा था कि सितंबर के अंत तक प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव हो जाएंगे। वहीं पंचायत चुनाव करवाने के लिए एक निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग प्रदेश सरकार को पंचायत चुनाव पर विचार विमर्श करने के लिए पत्र लिखेगा, जो एक सामान्य रूटीन की ही प्रक्रिया होती है। इससे पहले चुनाव आयोग ने इन पंचायत चुनाव में पहली बार लोगों की सुविधा के लिए नोटा के बटन को शामिल किया था, और यदि किसी भी गांव में नोटा के बटन को उम्मीदवार से ज़्यादा वोट पड़ते हैं, यानी कि नोटा का जो बटन है वो उस उम्मीदवार के वोटों से ज़्यादा वोट ले जाता है, तो फिर उस जगह दोबारा से चुनाव करवाए जाएंगे और जो उम्मीदवार पहले चुनाव लड़ रहे थे वो दोबारा चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ दो दिन पहले ही सोशल मीडिया पर एक मैसेज जमकर वायरल हुआ था, जिसमें लिखा था कि 13 सितंबर को प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे, यानी कि 13 सितंबर तारीख घोषित कर दी है। इस मुद्दे पर फिर खुद चुनाव आयोग के सचिव ने सफाई देते हुए कहा था कि आधिकारिक तौर पर अभी चुनाव को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर जो मैसेज वायरल किया जा रहा है वो सरासर झूठा है। आपको बता दें कि प्रदेश के अंदर पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल यानी कि फरवरी 2021 में ही पूरा हो गया था, जिसके बाद पंचायतों को भंग करते हुए प्रदेश सरकार ने इन पंचायतों को प्रशासकों यानी कि अफसरों के हवाले कर दिया था, जिसके बाद पिछले 1.5 साल से गांव के अंदर जो सार्वजनिक विकास के कार्य थे वो ठप पड़ गए थे। खैर, देखना होगा कि क्या गांव की बनने वाली नई सरकारों का इंतजार फिर से बढ़ सकता है। खैर, इस मसले पर आपके विचार क्या हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा, और आपके अपने चैनल द मसला के फेसबुक पेज को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। नमस्कार।